All right, people, welcome, welcome, welcome back, guys. Now the campus, your colleges are going to start, ठीक है? And आपको पता है कि what campus you have got admission into. And similarly कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो शायद आपके काम आएंगी, ठीक है? मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कहीं ना कहीं, बट आई थिंक एक और बार बताने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी. कुछ नई बातें भी हैं. तो जैसे यू ऑल पीपल विल कम फॉर द इंडक्शन प्रोग्राम ऑन 15th 15th मई. हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, सारे कैंपसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सारे आएंगे 15th मई को, अपने कैंपसेस में जाओगे, देखोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है? सिमिलरली ऑन दैट नोट गाइज, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि हमारा कैंपस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? हमारी ये परसेंटाइल है, हमने ऐसा बोला उनको, हमने बहुत बार मेल्स डाले हैं, ठीक है? बट सैडली कैंपस चेंज नहीं हो रहा, या उनकी तरफ से मेल नहीं आ रही है. देर आर टू थिंग्स इन दिस. कैंपस का यूजुअली ये होता है कि इवन आफ्टर 1 जून आपकी जब मेन सेमेस्टर क्लासेस होती हैं, इवन आफ्टर दैट द एडमिशन प्रोसेस कहीं ना कहीं चलता रहता है, ठीक है? यू विल ऑल्सो सी इन बिटवीन, जब आप क्लासेस लगा रहे होंगे, आपको 1 महीना हो जाएगा कॉलेज में, 1.5 महीना हो जाएगा, एंड यू विल सी सम न्यू गाय न्यू गर्ल कमिंग इन टू योर क्लास. यू नो, वो आपके बाजू में बैठता है, आपकी क्लास में बैठता है, एंड एवरीथिंग, ठीक है? सो एडमिशन प्रोसेस चलता रहता है कहीं ना कहीं थोड़े टाइम तक. अब वो सिर्फ मेरिट बेस पे चलता है, एंड कभी कभी कुछ लोगों का रीजन होता है कि वो जल्दी नहीं आ पाते, चाहे वो आपके एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके कोई मेडिकल इशू हो. एंड आफ्टर जून जुलाई देन यू काइंड ऑफ कम टू द कॉलेज एंड आप तब क्लासेस अटेंड करते हैं. तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ जून जुलाई के टाइम में अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप पहले आएंगे, ठीक है? व्हेन द क्लासेस विल स्टार्ट विच इज ऑन 1 जून, ये सारे कैंपसेस के लिए बात लागू होती है. और अगर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेडिकली अप डाउन हो गए हो, कुछ घर पे कुछ हो गया है, ये सब, तो यू पीपल विल हैव अ प्रॉपर वैलिड रीजन. आप मेल करेंगे कॉलेज को एंड लेट देम नो. अब आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? यू पीपल आर गोइंग फॉर योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, विच इज ऑन योर 15th 16th मई, चलेगा 15 दिन और ये 30 31 मई तक, ठीक है? एंड द थिंग इज दैट ये 15 दिन काफी लोग ऐसे ही लेंगे, ठीक है? ऐसे ही लेने का मतलब है कि क्लास लगाई लगाई, नहीं लगाई तो नहीं लगाई, ठीक है? बाहर घूम रहे, या वैसे ही कहीं मन नहीं कर रहा क्लास लगाने का, कुछ भी. यू आर न्यू टू द कॉलेज, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, ठीक है? क्या पढ़ाई होती है, कैसे होती है, क्या सिलेबस है, ये है वो है, 100 ऑफ थिंग्स. इसके अलावा अगर आप थोड़े सीरियस हो पढ़ाई को लेके, या थोड़ा सा चाहते हो कि इफ आई वॉन्ट समथिंग फ्रूटफुल आफ्टर अटेंडिंग दिस 15 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम, सो यू पीपल कैन गेट सम गुड इंसाइट्स फ्रॉम दिस इंडक्शन प्रोग्राम एज वेल. आपकी नॉलेज अच्छी हो सकती है, आप थोड़े से शार्पन हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, ठीक है? यू कैन यूज दिस टाइम. 1 जून जब जाओगे तो आपकी लगातार धड़ाधड़ क्लासेस सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक चलती रहेगी, ठीक है? एंड उसमें शायद आपको अपने लिए भी टाइम ना मिले, बाकियों के लिए तो कहीं मिलेगा. बट ये जो 15 दिन है ना, जिसको लोग शायद से ऐसा ही मान रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वाइल्ड कार्ड या कोई ना कोई गोल्डन टिकट टाइप का मान लो आप लोग. मेक श्योर व्हेन यू गो टू द कॉलेज, व्हेन यू कम टू द कैंपस, कोई ऐसा टीचर आपके नोन में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो, ठीक है? कोई टीचर जो आपके साथ आपकी बात शेयर करे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे, मोटिवेट करे. कोई भी टीचर हो सकता है, वो हो सकता है आपका इंटरेस्ट फाइनेंस का हो, लेकिन वो ऑपरेशन का टीचर है, ठीक है? आप किसी और सेक्शन की क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वो किसी और सेक्शन को पढ़ा रहा है. बट मेकिंग अ गुड रिलेशन विद योर टीचर इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं वो चल जाएगा. और ये सिर्फ आईबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज फॉर प्रीटी मच ऑल द कॉलेजेस जो स्पेशली Tier 2 एंड Tier 3 में आते हैं, राइट? यहाँ पे लाइक आई सेड कि कोई ऐसा दीनमान नहीं है, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं है
यू नो देर इज समटाइम्स देर इज देर आर नो लॉजिक्स टू कपल ऑफ थिंग्स बट यू नीड सम गुड सपोर्ट, यू नीड सम गुड पीपल अराउंड यू. तो ये ऐसा होगा, ये काम ऐसे हो सकता है ये 15 दिन के अंदर. जो फाइनेंस वाले लोग हैं, सुन लो फाइनेंस वालों, ठीक है, आप में से जो लोग फाइनेंस के लिए ट्राई कर रहे हो, मेक श्योर ये 15-20 दिन आपने थोड़ा नंबर क्रंचिंग के ऊपर ध्यान दे दो. ठीक है, नंबर्स आपके बढ़िया हो गए तो फाइनेंस आपके लिए ऐसे निकल जाएगी. मार्केटिंग में भी काम आती है फाइनेंस, जैसे ई मार्केटिंग करके सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वहां पे आपका काम बहुत यूज होता है नंबर्स का, डेटा का, बड़े बड़े डेटा का. ठीक है, एंड आप उस डेटा को यूज करके यू हैव टू फिगर आउट एनालाइज थिंग्स. बेसिकली एचआर और ऑपरेशंस में नहीं होता इतना, ऑपरेशन में भी थोड़ा होता है बट एचआर में थोड़ा कम ही होता है एज फार एज द नंबर पार्ट इज कंसर्न. नाउ 15 डेज को कैसे प्लान आउट करना है ये थोड़ा आप अपने ऊपर भी देखना. ज्यादा बुकिश नॉलेज में भी मत चला जाना कि यू नो मैंने जैसे अपनी वीडियोस में बोला है कि नहीं पढ़ो 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 ऐसे करके कि 10 CGPA लाना है, 9 CGPA लाना है. इनफैक्ट 10 और 9 CGPA इज ऑल्सो अ ट्रैप. ठीक है, कहीं ना कहीं वो ट्रैप होता है. जब कंपनीज में बैठोगे तो कभी कभी आप 10 CGPA मतलब क्या होता है, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन MBA. एंड फिर आपकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, आपसे सवाल अलग पूछे जाते हैं, टफ सवाल आते हैं. ठीक है, वो सारी बातें होती हैं. CGPA रेंज कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 CGPA टिल 8, 8.5. ठीक है, इसके बीच में अगर बच्चा है 6 से लेके 6.0 से लेके 8.5 तक, तो बच्चा अच्छा है, मतलब बच्चा एक एवरेज बच्चा है जो समझता है बातों को, उसके पास कुछ कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उसके पास कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसके पास अच्छी इंटेलिजेंस है, एंड वो पढ़ाई में भी ठीक ठीक है, चल रहा है उसका काम. अपनी स्ट्रेंथ्स को पहले 15 दिन में फिगर आउट कर लो. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स फॉर दीज 15 डेज, फाइंड इट आउट. वेदर यू आर गुड एट नंबर क्रंचिंग, वेदर यू आर क्रिएटिव पर्सन, वेदर यू आर व्हाट शुड आई से, इवन प्यार भी बहुत होता है ना लोगों को, अगर वो वाली बात भी है तो वो भी देख लो. ठीक है, कहने का मतलब ये कि व्हेन यू विल गेट फॉर योर इंटर्नशिप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, एक साल के बाद योर प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, आई वॉन्ट यू पीपल टू काइंड ऑफ प्ले विद योर स्ट्रेंथ्स. अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ फटाक फटाक खेलो. इट शुड नॉट ऑलवेज बी अबाउट कि मुझे ये नहीं आता तो मैं ये सीख लेता हूँ, अच्छा उसके बाद पता लगा अरे और नहीं आता तो और सीख लेते हैं. यहाँ पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ. IBS के कैंपस, कोई भी कैंपस में हो आप, इतना ध्यान देने वाला कोई नहीं है. तो आपको अपना रास्ता बनाना है, और वो रास्ता कैसे बनेगा, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानोगे. स्ट्रेंथ्स को जानने से ऐसा होगा कि नाउ यू विल स्टार्ट अलाइनिंग योर गोल, एक एक करके जोड़ोगे कि मेरे को फाइनेंस में ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट एंड इसकी आगे क्या प्रोस्पेरिटी है, यू नो क्या इसके स्कोप्स हैं. सिमिलरली इसके अलावा आप HR के लिए हैं, ऑपरेशन के लिए, जो भी है, व्हाटएवर योर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कम्स आउट टू बी. ठीक है, तो आप ऐसे फिगर आउट करना शुरू कर दो. 15 डेज कहीं ना कहीं एक हेड स्टार्ट है, मैं तो ये बोलता हूँ कुछ लोगों को. 100 मीटर की रेस है, ठीक है, अगर जिसने थोड़ा फायदा उठा लिया 15 दिन का, तो वो आराम से 75 से उसको 75 का गैप कवर करना पड़ेगा. उसने 25% का फायदा उठा लिया ये 15 दिन के अंदर, कहीं ना कहीं इस दायरे में वो थोड़ा आगे हो गया. आपको बहुत लोग मिलेंगे कॉलेज में, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी और थोड़े अलग से भी, जो नए नए अभी आ रहे हैं. यू विल सी लॉट ऑफ न्यू बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स हैंगिंग आउट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यू नो बाहर घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. पीपल काइंड ऑफ वेस्ट दीज 15 डेज इन दिस. ठीक है, किसी का जेन्युइन रीजन है तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तब तो क्या बात हो सकती है. बट अगर फिर भी हर दिन 1 घंटा आपने कुछ अच्छा निकाल लिया, प्रोडक्टिव कर लिया, चाहे आपने प्लान ही बनाया अपने लिए, 1 घंटा अपने कमरे में जाके, अपने हॉस्टल के रूम में जाके, इट विल स्टिल एड यू, इट विल स्टिल काइंड ऑफ टेक यू अबव, 25% आपको आगे लेके जाएगा. एंड टीचर्स के साथ अच्छी बना के रखो, दोस्तों के साथ कभी कभी परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं, ये भी बात है. आज जो दोस्त बने हैं, अब जरूरी नहीं कि यू नो आगे भी यही रहेंगे, चेंज हो जाता है, सब बदल जाते हैं. लेकिन टीचर का एक होता है कि टीचर के साथ अगर अच्छी बनी हुई है तो वो तो दोस्त है नहीं, पहली बात. ठीक है, बट आप कभी भी सजेशन के लिए जाओगे, आइडियाज के लिए जाओगे, तो वो अवेलेबल है. तो टीचर कहीं ना कहीं बना अपने नजरों में रखना, अपने साथ रखना.
ही और शी विल हेल्प यू इन वेरी गुड वे इफ यू काइंड ऑफ लुक आफ्टर गुड टीचर्स. गुड टीचर्स थोड़े कम है, मार्केटिंग वालों के लिए फायदा है यहाँ पे, उनको मिल जाएंगे. देर आर सम गुड फोर फाइव टीचर्स. फाइनेंस में मिल जाएगा, मिल तो सारे में जाते हैं, बट वो अब वो आपका क्लिक किसके साथ कर रहा है वो बात बन जाती है कि whom, with whom you are able to understand and all those things. ठीक है, केस स्टडी पढ़ना शुरू कर देना. केस स्टडीज की बुकलेट्स मिलेंगी आपको, वो देख लेना, वो पढ़ना शुरू करना. एंड जो भी चीज पढ़ रहे हो वो थ्योरी लेवल पे मत पढ़ना, जैसे मैंने गलती करी थी. प्रैक्टिकल जानो, चाहे वो एचआर जैसा सब्जेक्ट है, लेकिन उसका एचआर में अगर वो कहते हैं केस स्टडी है जहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई होगी है कंपनी के अंदर, एचआर मैनेजर सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो अगर आप एचआर मैनेजर हो तो कैसे सॉल्व करोगे? तो प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली करो. इनफैक्ट टीचर्स को आप रिकमेंड कर सकते हो कि हम ये केस स्टडी को इनएक्ट करके दिखाना चाहते हैं क्लासरूम में. यू नो वी वॉन्ट टू एक्ट कि चार बच्चे ले लिए, यहाँ के चार बच्चे ले लिए, ये लड़ रहे हैं, फिर एचआर मैनेजर है, वो केस स्टडी के ऊपर एक ड्रामा चल रहा है. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है. इसके अलावा बाकी सारी चीजें ठीक है, यू विल गो अराउंड फाइंड न्यू फ्रेंड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट ये चीजें कहीं पकड़ ली तो 15 डेज कहीं ना कहीं आपके हाथ में एक 2 महीने का पैरामीटर अच्छी तरह से आपको पकड़ा जाएंगे, एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा. 15 दिन अगर कोई जेन्युइन रीजन से नहीं आ पा रहे हो तो चलो ठीक है, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, क्या कर सकते हैं. बट अगर 15 दिन आ रहे हो तो ज्यादा गवाना मत इधर उधर. ठीक है, ठीक है, यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन हैदराबाद, आई अंडरस्टैंड, और मे बी वट एवर कैंपस यू आर गेटिंग इन टू, बट थोड़ा सा दायरे में, यू नो, लिमिट में रह के. एंड आगे और वीडियोज आएंगी ऐसी, थोड़ी वीडियोज एक 10-10 दिन के बाद आ रही है, थोड़ा सा काम की वजह से नहीं हो पा रहा है, बट आगे आएगी. शॉर्ट्स तो मैं डाल देता हूँ कहीं ना कहीं, वो ईजी होता है, ऐसे पकड़ के रिकॉर्ड कर लिया. ठीक है, बट आई विल सी यू, स्पेशली हैदराबाद पीपल ऑन द कैंपस. आई हैव जॉइंड ऑल द ग्रुप्स अगेन, आपको पता है क्या हुआ था, एंड फॉर 20-25 डेज आई वॉज आउट फ्रॉम ऑल दोज ग्रुप्स. ठीक है, बट नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज काम, यू नो, कहते ना ठंडा हो गया माहौल, सो नाउ इट इज नॉर्मल. एंड नाउ इट इज मोर इम्पॉर्टेंटली कि आगे करना क्या है. ऐसा नहीं है कि आई एम ओनली अवेलेबल फॉर हैदराबाद पीपल, हैदराबाद स्टूडेंट्स, वी आर अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, आप कहीं पर भी जाते हो, आपको लगता है मेरे से बात करनी है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप्स तो बने ही हुए. फालतू की चीज़ में मत जाना यार. ठीक है, ये जो फालतू की चीज़ें, दारू, सिगरेट, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, कभी किया किया, नहीं किया नहीं किया, व्हाटएवर इट इज, बट ये ना सरफेस लेवल पे अच्छी लगती है, बाकी इट डज नॉट लुक वेरी वेरी गुड. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. दिस वॉज अ रोड मैप फॉर 15 डेज. इफ यू फॉलो इट, इसका 50% भी फॉलो कर ले तो आई वुड से मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, एंड प्लीज देखिए, थोड़ा सा समझो, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, स्टार्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेर यू वॉन्ट टू गो आफ्टर 2 years, एंड we will discuss more as you progress in the semester. Theek hai, see you everybody, take care.